आज बड़ा हास्यप्रद स्थिति है कि संविधान में प्रदत्त समस्त नियम और कानून का खुलेआम माखोल उड़ाया गया। हमको नोटिस मिलता है सेक्शन 9 और सेक्शन 33 का, और उस नोटिस मिलने के बाद हमारे लोग रात्रि में चुनाव आयोग जाते हैं और चुनाव आयोग द्वारा जो ये सर्टिफिकेट की मांग करते हैं वो चुनाव आयोग द्वारा यहाँ पे आता है। डीएम साहब उसे संतुष्ट होते हैं। बादहू ये भाजपा के लोग रविशंकर प्रसाद संदीप पात्रा के नेतृत्व में चुनाव आयोग जाते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ टेलीफोन करता है और यहाँ कहता है कि ऐसा है कि आपको जो है जो आपने नोटिस जारी किया था उस नोटिस से बिरत आप एक काम करो कि कैंडिडेट ने नामिनेशन के समय सर्टिफिकेट जारी पशु नहीं किया था, जिस आधार पे अब इनकी जो है नॉमिनेशन खारिज करो। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैंने नॉमिनेशन दाखिल किया और मैंने आपके उस प्रपत्र को अगर दाखिल नहीं किया तो स्क्रूटिंग में जाने कोई सवाल नहीं होता है। आज वर्तमान समय में खुलेआम संविधान की हत्या हो रही है। हमसे मांगा गया था कि आप जो है सर्टिफिकेट जो है आप सेवा आप जो है आप सरकारी कर्मचारी रहे हैं, आपको अनुशासनहीनता के आरोप में जो आपको निकाला गया है उसके तहत आपको चुनाव लड़ने के लिए इलेक्शन आयोग से सर्टिफिकेट चाहिए। हमने वो सर्टिफिकेट दे दिया। बादहू अब उस सारे नियम कानून को भूलकर एक गलत तरीका अपनाते हुए कि आपने नॉमिनेशन फॉर्म के समय वो सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया था, जिस कारण ये आधार बनाते हुए आप लोग कितने बजे सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं? सर 11 बजे हमारा सबमिट हो गया था। कल किए थे, आज 11 चुनाव आयोग ने दे दिया था। मुझे 11:30 का समय दिया गया था। आज 11:30 AM पर पूरी सुनवाई होनी थी, एविडेंस देना था। 11:10 पर नई दिल्ली से चुनाव आयोग से यहाँ मेल आ गया था। सर अब क्या आगे हाई कोर्ट में या दूसरी कोर्ट में क्या? जिस तरह से बिंदुवार इन्होंने इनलीगल कार्य किया है, समस्त वैधानिक दस्तावेजों को इन्होंने ताक पर रखते हुए सिर्फ सरकारी आला अफसरों और नेताओं के दबाव में आकर जिस तरह कथित रूप से इनवैलिड नॉमिनेशन फॉर्म किया गया है, उस पर हम लोग को जो है मात्र जो न्याय की मंदिर है उसे माननीय उच्चतम न्यायालय कहते हैं। और अंतिम रास्ता हम लोग भी पार्टी हाईकमान से बात करेंगे, जो निरस्तीकरण हमको मिला नॉमिनेशन का उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने के बाद निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट से ही हमें न्याय मिलेगा और चौकीदार की हैसियत सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। हम लोग तुरंत आपात बैठक करने जा रहे हैं। महानगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष यहाँ कचहरी मौजूद हैं। हम लोग अभी बैठक करके फैसला लेंगे कि जिस तरीके से अन्याय और अत्याचार करके लगातार समाजवादी पार्टी को बदायूं, रामपुर और कन्नौज में जिस तरीके से पीड़ित किया गया है, आज हमारे तेज बहादुर जी का पर्चा खारिज कर दिया गया है बनारस में, तो इस पर हम लोग जल्दी बैठ के निर्णय लेकर के फैसला लेंगे और मोदी जी को बनारस से जीतने नहीं देंगे। शालिनी यादव ने भी नामांकन किया था, तो अब क्या उनके भविष्य का फैसला क्या होगा? बस बैठक कर रहे हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। क्या वो पार्टी सिंबल उनको भी मिला हुआ है? हाँ, अब बता तो दिया कि अब कल से आपके लिए फिर नई खबर रहेगी। अभी तो तेज बहादुर जी के लिए जाके हम लड़े, बड़े जगह लड़े, जिस तरीके से अब उम्मीदवार कौन है बनारस में? आप शालिनी यादव उम्मीदवार हो गई है। सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट हमारे हैं कि सपा के? समाजवादी पार्टी के। कल स्क्रूटनी यहाँ सभी नामांकन पत्रों की गई और 102 व्यक्तियों ने 119 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, जिनमें से 31 नामांकन पत्र स्वीकृत किए गए। एक जो अभ्यर्थी थे श्री तेज बहादुर, उन्होंने 2 नामांकन दिए थे, उनकी स्क्रूटनी को डेफर किया गया था। और कोई भी व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा हो और उससे डिसमिस हुआ हो और उस डिसमिसल की तारीख 5 साल के अंदर की हो, यानी 5 साल ख़त्म नहीं हुए हो, ऐसे सभी केसेस में सेक्शन 9 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट एंड सेक्शन 33 का सब क्लॉज 3, इन दोनों में ये बाध्य है यानी कंपलसरी है कि वो कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ में एक सर्टिफिकेट लाएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा कि दिस पर्सन जो आप व्यक्ति हैं ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ द डिसलॉयल्टी टू द नेशन एंड करप्शन। तो ये दोनों केसेस में अगर कोई नहीं भी है और डिसमिसल भी है तो भी इस फैक्ट का कि ही हैज़ नॉट बीन डिसमिस्ड बिकॉज ऑफ द डिसलॉयल्टी टू द स्टेट एंड करप्शन, तो दोनों ही केसेस में सर्टिफिकेट लाना ज़रूरी है। तो 5 साल के अंदर में जो भी सरकारी आदमी अगर कोई डिसमिस होता है
तो वो डिसमिसल करप्शन और डिसलॉयल्टी टू द स्टेट की वजह से नहीं है या है, इन दोनों ही केसेस में एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन से आता है। हमने मौका भी दिया कल आज 11 बजे तक का डेफर करके, लेकिन 11 बजे तक कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट नहीं आया। और उसी के अभाव में जो डिसक्वालिफिकेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में निर्धारित है, उस डिसक्वालिफिकेशन के आधार पर और जो प्रोविजंस हैं उनके आधार पर एक लॉन्ग स्पीकिंग ऑर्डर, पूरा सुनवाई के बाद जो ऑब्जेक्शन आए थे उनकी सुनवाई के बाद सबको समाहित करते हुए जो श्री तेज बहादुर हैं उनका नामांकन निरस्त किया गया। सर, किनको सर्टिफिकेट कहाँ से लाना था? पीएसएफ से चुनाव बता दिया मैंने, अभी तो बताया नहीं, समय बहुत कम नहीं था ना, ये साथ लाना होता है। बीजेपी ने भी कहा था कि आपने समय दिया है, समय बहुत कम दिया है। इधर से देखिए, आप प्लीज ऑर्डर पढ़ लीजिए, उसमें सारी चीजें हैं कि कब दाखिल करना होता है या कितना टाइम देना होता है, ठीक है ना। जो भी स्क्रूटनी है वो स्क्रूटनी मैक्सिमम नेक्स्ट डे 11 o'clock तक डेफर्ड की जा सकती है, एडजॉर्न की जा सकती है, जो कि हमने मैक्सिमम टाइम दिया। तो जो कहते हैं इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज इन द आई ऑफ लॉ, तो कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जो डिसमिसल हुआ है पिछले 5 साल में, उसको अपने साथ वो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इश्यू करा के लाना होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अप्लाई करना होता है। आप डिटेल्ड जो ऑर्डर है उसके डिटेल सारे प्रोविजन निहित किए गए सारी।